उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिनका लगातार चुनावी प्रचार जारी है। धुआंधार प्रचार करते हुए आज योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती डुमरियागंज में जनता को संबोधित करेंगे। संत कबीर नगर आजमगढ़ में भी हुंकार भरते नजर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम। तरीके श्रावस्ती डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। संत कबीर नगर और आजमगढ़ में हुंकार भरते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी के कार्यक्रम के दरमियान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी में मौजूद रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी लगातार अपने दिग्गज चेहरों के जरिए जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर बचे हुए अगले चरणों के चुनाव के लिए देखिए लगातार प्रचार करते हुए इसी कड़ी में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी धुआंधार प्रचार जारी रहेगा। श्रावस्ती डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ में संत कबीर नगर और आजमगढ़ में भी चुनावी सभा में शिरकत करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दरमियान भी मौजूद रहेंगे यूपी के सीएम। श्रावस्ती लोकसभा सीट को समझिए, साकेत मिश्रा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा के साथ होगा। श्रावस्ती जहां आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी प्रचार का कार्यक्रम रहेगा, धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। बीजेपी की तरफ से श्रावस्ती डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम। वहीं संत कबीर नगर और आजमगढ़ में हुंकार भरते नजर आएंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि जहां श्रावस्ती डुमरियागंज में साथ में अगर बात की जाए तो संत कबीर नगर और आजमगढ़ में जनता के बीच चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार कार्यक्रम में वाराणसी में भी यूपी सीएम की मौजूदगी रहेगी। आपको बता दें वाराणसी में मातृशक्ति सम्मान करते नजर आएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी दरमियान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी रहेगी। इससे पहले संत कबीर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज और साथ में आजमगढ़ में जनता के बीच पहुंचेंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रावस्ती लोकसभा सीट के महामुकाबले के बारे में भी आपको दिखा रहे हैं यहां से। बीजेपी के साकेत मिश्रा चुनावी मैदान में हैं, साथ में मुकाबला इनका रहेगा राम शिरोमणि वर्मा जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रावस्ती लोकसभा सीट से। 2019 में राम शिरोमणि वर्मा यहां से जीते थे। देखिए बीएसपी के तब उम्मीदवार थे और यहां से ददन मिश्र की हार हुई थी कमल के निशान पर। धीरेन्द्र प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से तीसरे नंबर पर रहे थे। 2019 में श्रावस्ती का सियासी समीकरण क्या कहता है ये रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं। राम शिरोमणि वर्मा तब बीएसपी के निशान पर यहां से चुनाव जीते थे। ददन मिश्रा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार और धीरेन्द्र प्रताप सिंह तीसरे नंबर पर रहे। दूसरे और तीसरे नंबर पर ददन मिश्रा और धीरेन्द्र प्रताप सिंह रहे। 2014 का जिक्र कर लेते हैं जब कमल के निशान पर ददन मिश्रा को यहां से जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद यहां से अपना मुकाबला हार गए थे।